प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 दिसंबर को प्रस्तावित खाद कारखाने के लोकार्पण समारोह के सफल आयोजन के मद्देनजर एडीजी जोन अखिल कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक किया तथा लोकार्पण स्थल की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाद कारखाने का उद्घाटन करने के बाद फर्टिलाइजर परिसर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और गोरखपुर सहित पूर्वांचल वासियों को एम्स सहित अन्य योजनाओं का सौगात देंगे। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, वरिष्ठ अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीना, पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, देखते हुए आज अधिकारियों द्वारा परिसर का भ्रमण किया गया है और कार्यक्रम की समीक्षा की गई है, अधिकारियों की ब्रीफिंग की गई है और इसमें तमाम फोर्स लगाया जा रहा है, जिसमें LIU, सिविल पुलिस, ट्रैफिक, PSC और सिविल डिफेंस है, उन सबका मदद लिया जाएगा इसमें और कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करवाने के लिए CCTV और तमाम ट्रैफिक के बैरियर, डाइवर्जन पॉइंट्स इत्यादि की सबकी व्यवस्था की गई है और कार्यक्रम का रिहर्सल भी किया जाएगा और प्रॉपर ब्रीफिंग के साथ कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करवाया जाएगा।